गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मनी। तो सबसे पहले तो हम पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा सर? तो इस चैप्टर में आपने सबसे पहले बताया था मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी। तो इसमें बताया था मनी बेसिकली क्या है। मनी इज एनी थिंग दैट कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और दैट कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, दैट कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो कोई भी चीज़ जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकें, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू हो, जिसको चीज़ों को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके, और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें डिफर्ड पेमेंट इन्वॉल्व है, उस तरह के ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट, उस तरह के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में जिसको हम यूज़ कर सकें, उसे मनी कहा जाएगा। तो मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताया था, और बार्टर सिस्टम को हटाया क्यों गया इसके बारे में भी हमने बात करी थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम में बताया था बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या है। इट इज़ अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसे हम कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता हो, वो सीसी इकोनॉमी कहलाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो बार्टर सिस्टम है उसका सारा दारोमदार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट पे होता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज अगर इन्वॉल्व हैं तो उस ट्रांजैक्शन से दोनों ही पार्टीज की नीड्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाएं, तो उसे कहा जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट है। तो बार्टर सिस्टम के सक्सेसफुल होने के लिए, इसके काम करने के लिए सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक, सबसे अहम चीज़ जो थी वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट थी। अगर किसी ट्रांजेक्शन में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट मिसिंग है तो वो ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होता था। लेकिन जाहिर है इसके सिस्टम के साथ ना कमियां थी कुछ, जिसकी वजह से हमने बार्टर सिस्टम को हटा दिया, और बार्टर सिस्टम को हटा के मॉनिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हमने किया। लेकिन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से इसको हटाने की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की ज़रूरत पड़ती थी किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद दूसरी दिक्कत ये थी कि स्टोर ऑफ वैल्यू मिसिंग था। इसके अलावा सर, किसी भी चीज़ को वैल्यू करने के लिए कोई कॉमन तरीका नहीं था। हर चीज़ जिसको हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, हर दफ़ा एक्सचेंज रेशो और जो बेसिस है एक्सचेंज करने का वो चेंज हो जाता था। तो कोई भी कॉमन तरीका नहीं था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। इसके बाद एक और दिक्कत आपने बताई थी सर, इस सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी नहीं थी। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर आप यूनिट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके आधार पे ट्रांजैक्शन करना या उसके आधार पे एक्सचेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता था कई बार। तो डिविजिबिलिटी की भी दिक्कत होती थी, और डिफर्ड पेमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें डिफर्ड पेमेंट इन्वॉल्व है, उस तरह के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में खासा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी बार्टर सिस्टम की एक दिक्कत थी। कहने का यह मतलब है कि अगर आप गौर करेंगे ना, तो आपको जो कमियां बार्टर सिस्टम के अंदर नज़र आती हैं ना, मॉनिटरी सिस्टम के अंदर जब हमने पैसा इंट्रोड्यूस किया तो पैसा उन सभी कैरेक्टरिस्टिक के साथ आया जो बार्टर सिस्टम हमें ऑफर नहीं करता था। इसलिए हमने कम्प्लीटली बार्टर सिस्टम को हटाया, मॉनिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब मैंने आपको बताया था। आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई। देखिए जी, मनी सप्लाई क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी पैसा मौजूद है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना पैसा मौजूद है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा मौजूद है उसकी टोटल क्वांटिटी को मनी सप्लाई कहेंगे, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी का क्या मतलब है? मनी का मतलब कि सर जितने भी नोट्स और कॉइन्स हैं देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है ना, टोटल अमाउंट जो है ना, वो मनी सप्लाई कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए 500 करोड़ जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर नोट्स हैं, और 100 करोड़ जो है वो कॉइन्स हैं, सपोज। इसका मतलब, और कब की बात कर रहा हूँ मैं, हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर की, कि 27 अक्टूबर को
इकोनॉमी के अंदर नोट तो 500 करोड़ से, कॉइन्स 100 करोड़ से, इसका मतलब टोटल मनी सप्लाई कितना इकोनॉमी के अंदर एज ऑन 27 अक्टूबर कितना हो गया, 600 करोड़। इसके क्या कहेंगे हम, इसके लिए हमने हम वर्ड यूज करते हैं मनी सप्लाई, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। समझ आ गई बात? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर मनी सप्लाई जो है ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड टू नो द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ये जानने की क्या जरूरत है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा मौजूद है। असल में ये जानने की जरूरत क्या है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रोल किसका है, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फाइंड आउट करना कि इकोनॉमी में कितना पैसा मौजूद है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो अपने आप आगे का आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे देश के अंदर जो अथॉरिटी है, जो सुपीरियर मोस्ट अथॉरिटी है जो बैंकिंग और मनी को डील करती है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्निंग अथॉरिटी है, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना पड़ता है, ये इंश्योर करना पड़ता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो ज़्यादा है या कम है, ये जानने की जिम्मेदारी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। सवाल ये उठता है कि ये जान के होगा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे क्या करेगी? अगर रिजर्व बैंक ये पता लगाती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, मतलब पैसे का फ्लो ज़्यादा है या कम है, इससे होगा क्या? असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि इकोनॉमी के अंदर ना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज़्यादा है, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, पैसे का फ्लो कम है, इट विल लीड टू डिफ्लेशन। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पैसे की ज्यादती ना हो जाए इकोनॉमी में, ठीक है, देयर मस्ट नॉट बी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और ऐसा भी ना हो कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी हो जाए, अदरवाइज इट विल लीड टू डिफ्लेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कैलकुलेट करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ मनी को काउंट करना पड़ता है, जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना टाइम टू टाइम इकोनॉमी में पैसे के सप्लाई को चेक करती रहती है ताकि अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। अगर पैसे का फ्लो ज्यादा होगा, मान लो मनी सप्लाई ज्यादा है, तो फिर क्या करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेगी ताकि इन्फ्लेशन ना हो जाए, और अगर पैसे का फ्लो कम होगा तो अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शन लेगी ताकि उसके फ्लो को बढ़ा के हम इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें। समझ आ गई बात? तो इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमें पता हो एग्जैक्टली इकोनॉमी में पैसा है कितना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, और जो क्वांटिटी हमें पता लगती है कि कितना पैसा है इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं या आरबीआई कैलकुलेट कर रही है 27 अक्टूबर को, और आरबीआई के अकॉर्डिंग नोट्स जो हैं आरबीआई के जो हैं वो 500 करोड़ हैं इकॉनॉमी के अंदर, और कॉइन्स जो हैं वो 100 करोड़ हैं। इट मींस कि इकॉनॉमी के अंदर टोटल कितना पैसा मौजूद है, 600 करोड़, दैट इज दी मनी सप्लाई। अब याद रखिए कि जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ फिएट करेंसी आती है, मतलब करेंसी विच इज एक्चुअली प्रिंटेड और इशूड बाई दी अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो करेंसी इशू करी है सिर्फ उसी को काउंट करते हैं हम। जैसे आपके जहन में आ रहा हो सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने बताया था मनी की कैटेगरी में आता है, कि हम उसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे, चेक को काउंट करेंगे क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज को काउंट करेंगे? आंसर इज नो। हम सिर्फ जो लीगल करेंसी है, लीगल टेंडर जिसे कहते हैं, सिर्फ वो काउंट करते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करती है। अच्छा, मनी सप्लाई जो है वो कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम मनी सप्लाई में ना सिर्फ वो पैसा ही काउंट करेंगे जो मनी यूजिंग सेक्टर के पास है। ये क्या होता है सर? देखो, हमने ना मनी के पर्सपेक्टिव से दो हिस्सों में इकोनॉमी को कैटेगराइज किया है। एक तो होता है जी मनी यूजिंग सेक्टर, और एक है आपका मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर, अब मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब, मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब जो लोग पैसे को जो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, वो देश का वो सेक्टर जो पैसा यूज़ करता है, जैसे जैसे जनरल पब्लिक, हम पैसा यूज़ करते हैं, कंपनी, फॉर्म्स, ये सब जो है किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब मनी यूजिंग सेक्टर्स हैं। मनी क्रिएटिंग सेक्टर में कौन आता है? मनी क्रिएटिंग सेक्टर में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक हालांकि रियल मनी प्रिंट नहीं करती है, लेकिन हाइपोथेटिकल मनी क्रिएट करती है।
तो याद रखिएगा कि जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं ना, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना पैसा मौजूद है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मनी यूजिंग सेक्टर के पैसे को काउंट करते हैं, मतलब पब्लिक के पास, कंपनीज के पास, फर्म के पास या अदर इंस्टीट्यूशंस के पास कितना पैसा मौजूद है। हम जो पैसा क्रिएट करता है, जैसे गवर्नमेंट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है, उनके पास जो पैसा है उसको काउंट नहीं करते। उनके पास उनका जो पैसा है, उनके पास उनका जो पैसा है उसको काउंट नहीं करता। अगर उनके पास पब्लिक का पैसा है तो वो काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक के पैसे को या मनी यूजिंग सेक्टर के पैसे को हम काउंट करते हैं। समझ आ गई बात? फिर से सुन लो, मनी सप्लाई क्या है। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या पर्टिकुलर डेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई कैलकुलेट करती है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में सिर्फ हम क्या काउंट करेंगे, नोट्स एंड कॉइन्स। और किसके पास? मनी यूजिंग सेक्टर के पास, जो है मनी क्रिएटिंग सेक्टर वाला पार्ट हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज सुन ले। देखिए, इकोनॉमी के अंदर ना दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर, सब उसको, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम दोस्तों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप कोई भी चीज जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे जैसे नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम ना, उसका एक स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक देश में जितना भी पैसा जनरेट हुआ वो नेशनल इनकम कहलाएगा। यही होता है ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, एक साल में देश भर के अलग अलग सेक्टर ने जितना भी प्रोडक्शन किया उसका टोटल अमाउंट जीडीपी कहलाता है। तो आप जीडीपी देख लें, या नेशनल इनकम देख लें, या देश की एग्रीगेट डिमांड देख लें, ये सारी चीजें जो है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करी जाती है, कि स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन है इनका। समझ रहे हैं, स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन का मतलब कि एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक कितना कमाया, कितना प्रोडक्शन किया। अगर इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ना, तो इसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। समझ आ रही है बात? जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसी कंपनी ने साल भर में कितनी सेल करी। अब साल भर की सेल का मतलब हम पूरा काउंट करेंगे अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। किसी कंपनी को साल भर में कितना लॉस हुआ, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब क्या है, ये सब हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसका, तो ये सब कहलाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं ना, आज की रेट में कोई चीज कितनी है, ये एक स्पेसिफाई एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी थी, उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझ आए? जैसे सपोज किसी कंपनी के गोडाउन में 15th of March को कितना स्टॉक था, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, कोई स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन नहीं है इसमें। उसमें एक ही पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर डेट है, उसी डेट के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं 28th of October को कितना पैसा है एक पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, टाइम डोमेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बताया दो तरह के कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो उस हिसाब से मनी सप्लाई किस कैटेगरी में आएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी चीज एक स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन का कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उतने टाइम का कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, एक पर्टिकुलर डेट के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज कैलकुलेट करी जा रही है, तो फिर वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इस लिहाज से मनी सप्लाई जो है वो हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, क्योंकि ये कैलकुलेट किया जाना है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल सा हो गया ये, तो जाहिर है भाई किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे आप तो कैलकुलेट करने का ना तरीका होता है, मतलब कुछ फॉर्मूला बनाया गया है। मनी सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसके लिए फॉर्मूला है। आयरनी ये है कि मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए एक नहीं, टोटल 4 फॉर्मूले हैं। समझ आ रही बात? तो मतलब इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर डेट पे कितना पैसा मौजूद है, ये फाइंड आउट करने के लिए जब ये फाइंड आउट करने के लिए जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो एक नहीं 4 फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के नाम रखे गए हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला है उसको कह दिया गया M1, ऐसी बाकी के जो फॉर्मूले हैं M2, M3 और M4। मतलब एक इकोनॉमी में पैसे के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि मनी सप्लाई निकालने के लिए टोटल 4 तरीके हैं।
चार फॉर्मूले हैं कह सकते हैं आप। पहला फॉर्मूला एम वन, दूसरा एम टू, एम थ्री एंड एम फोर। हमें ये सब पढ़ना नहीं है, एम टू एम थ्री एम फोर अब नहीं है सिलेबस में, कभी हुआ करता था, अब हटा दिया गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है एम वन के कॉन्टेक्स्ट में कि मनी सप्लाई अगर हमें एम वन के थ्रू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये सब बेसिकली फॉर्मूला है, सब अपने अपने मतलब सब सबके अंदर ना कुछ एडिशनल आइटम्स ऐड कर दिए जाते हैं मनी सप्लाई निकालने के लिए। ये थोड़ा सा अलग है, ये इसके मुकाबले अलग है, एक दूसरे से सब अलग है, ठीक है। और आंसर भी आप इन सब से कैलकुलेट करेंगे तो अलग ही आएगा, सेम नहीं आएगा। चलिए जितना भी अभी तक बताया है एक दफ़ा हम नोट्स से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए जी क्या लिखा है, मनी सप्लाई की डेफिनेशन है सबसे पहले। मनी सप्लाई रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये बता दिया मैंने इसको। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही कैलकुलेट होता है, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इज हेल्ड बाय मनी यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल्स फर्म एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो जितना भी पैसा मनी यूजिंग सेक्टर के पास है वो इंक्लूड किया जाएगा। हाउएवर मनी हेल्ड विद द मनी क्रिएटिंग सेक्टर आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है, जो उनका पैसा है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे लिखा है देर आर फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई विच इज यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी फाइंड आउट करने के लिए आरबीआई इन चार फॉर्मूला का यूज करती है, ठीक है। एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, इन चार फॉर्मूले के आधार पर जो है इकोनॉमी के अंदर पैसे के सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी आपको बता दिया कि आरबीआई के लिए मनी सप्लाई कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक एक्चुअली मनी सप्लाई नहीं पता होगी ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जब तक नहीं पता होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर हमारे लिए मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए करेक्टिव एक्शन लेना मुश्किल है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही को जो है करेंसी प्रिंट करनी है, इशू करनी है इकोनॉमी के अंदर, तो विदाउट इंश्योरिंग के इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है राइट नाउ, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कितना प्रिंट करने की जरूरत है। समझ आ रही है बात, समझ रहे हैं सारा कॉन्टेक्ट, मतलब कितना प्रिंट करना है ये जानने के लिए भी मनी सप्लाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। इकोनॉमी में अगर इम्बैलेंसेज हैं तो उसको उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी हमें मनी सप्लाई पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं एम वन, ये सिलेबस का हिस्सा है। जब एम वन के थ्रू मनी सप्लाई कैलकुलेट करी जाती है तो उसमें किन किन चीज़ों को हम काउंट करते हैं, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है पब्लिक के पास जो भी पैसा मौजूद है ना, जैसे कहते हैं मनी हेल्ड विद पब्लिक, मनी हेल्ड विद पब्लिक, पब्लिक के पास मतलब पब्लिक के पास मतलब पब्लिक की जेब में, बेसिकली जो उन्होंने बैंकों में जमा नहीं कर रखा है उसकी बात चल रही है। अब ये पैसा चाहे नोट्स की शक्ल में हो या कॉइन्स की शक्ल में हो, ये सब काउंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पब्लिक के पास ना 150 करोड़ है इन हैंड, तो ये मनी सप्लाई का हिस्सा है। इसके अलावा पब्लिक ने जो पैसा बैंकों में जमा करवाया है, बैंक में जो वो जो विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं, समझ आ रही है बात, जो पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, जैसे करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो, सेविंग अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, वो डिमांड डिपॉजिट है, जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं होता अमूमन, जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो पब्लिक का पैसा जो बैंक, पब्लिक का पैसा जो पब्लिक के पास है वो तो काउंट होगा मनी सप्लाई में। इसके अलावा पब्लिक का पैसा जो कहाँ रखा है, जो कमर्शियल बैंक में है, ठीक है, अब वो चाहे करंट अकाउंट में हो सेविंग अकाउंट में हो, दोनों को काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो जाएगा जी मनी कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब याद रखो इसमें हम पब्लिक का पैसा ही इंक्लूड कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं है। पब्लिक का पैसा जो जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में उनके पास पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास, वो कैलकुलेट किया जा रहा है। फिक्स डिपॉजिट को नहीं लेंगे अमान, फिक्स डिपॉजिट को नहीं लेंगे, क्योंकि देखो फिक्स डिपॉजिट ना इकोनॉमी में पैसे, इकोनॉमी के अंदर किसी तरह का फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं करती है। फिक्स डिपॉजिट जो है ट्रांजेक्शन के लिए एक्चुअली यूज़ ही नहीं हो रही है। ट्रांजेक्शन के लिए जो पैसा यूज़ हो रहा है ना, वही इकोनॉमी के अंदर इंबैलेंस क्रिएट कर सकता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किसकी वजह से आ सकता है,
जो पैसा पब्लिक यूज कर सकती है, कर रही नहीं कर रही उसकी बात अलग है, जो यूज कर सकती है उसी की बात करेंगे हम। अब कौन सा पैसा यूज कर सकती है, जो उनकी जेब में पड़ा है वो पैसा तो कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं ना। जो पैसा कमर्शियल बैंक में रखवाया है उन्होंने करंट डिपॉजिट के फॉर्म में कि हम कभी भी निकाल के यूज कर लेंगे, जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है बेसिकली, वो भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो सकता है। जो ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो सकता है उसी को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। तो पब्लिक के पास सपोज 150 करोड़ था, तो ये मनी सप्लाई का हिस्सा है। पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में था सपोज 300 करोड़, तो ये भी इंक्लूड कर देंगे हम। और एक और कॉलम बनता है अदर डिपॉजिट्स का। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, देखो अदर डिपॉजिट के अंदर दो चीजें आती हैं। नंबर वन, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है, सॉरी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये तो पब्लिक के पास हो गया, ये कमर्शियल बैंक के पास हो गया। और जो डिपॉजिट आरबीआई के पास पड़े हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने आरबीआई के पास पैसा जमा करवाया है और डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है, तो वो पैसा हम काउंट करेंगे। इसके अलावा आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट है किसी दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने अगर आरबीआई के पास पैसा रखवाया डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, ये भी मनी सप्लाई का हिस्सा होगा। अच्छा, कई दफ़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर आरबीआई में कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों रखवाएगा। देखिए हमारे देश में भी जो इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो दूसरे देश के बैंकों में अपना पैसा जमा करवाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा बहुत कॉमनली, ये तो जानते हैं लोग के, जैसे स्विस बैंक में हमारे देश का कितना ही पैसा पड़ा हुआ है ना। तो जिस तरीके से हम दूसरे देशों के बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, ऐसे ही हमारे देश के रिजर्व बैंक में, सेंट्रल बैंक में, दूसरे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पैसा जमा करवा सकते हैं। अब वो पैसा जो है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में अगर जमा करवाया है, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जमा करवाया हो आरबीआई के पास, या आरबीआई के पास किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जमा करवाया हो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, ये दोनों ही पैसा जो है मनी सप्लाई का हिस्सा माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई में टोटल तीन चीज़ें आ गई जी, M1 के अकॉर्डिंग, एम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पब्लिक के पास जो पैसा है वो, पब्लिक का पैसा जो कमर्शियल बैंक में रखा है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में वो, प्लस आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है किसका किसका सर, किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, PFI, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, IFI। तो और किस फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट समझ रहे हैं ना, दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। तो उस पैसों को भी हम इसमें काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक के पास 150 करोड़ था, कमर्शियल बैंक में पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में 300 करोड़ था, और आरबीआई में अदर डिपॉजिट के नाम से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जमा करवाया था मान लीजिए 100 करोड़, और इन्होंने जमा करवाया है मान लीजिए 400 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। तो अब टोटल लगा लो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया सर, 4 + 1 500, 300 800, 950। M1 के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है 950 करोड़। दिस विल बी दी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। समझ आ गई बात, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई एज पर M1 फॉर्मूला। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा मनी सप्लाई, इतना सही था ये। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, मैं सोच रहा हूँ वो भी करवा ही देता हूँ आपको। उस पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें डिस्कस ही करना होगा। देखिए मैंने आपको मनी बता दिया, मनी क्या है, ठीक है। इसमें बताया था कि एनी थिंग विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली हम उसको मनी कहते हैं। लेकिन पैसों को ना फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो उसके वैल्यू के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, और एक होता है अप्रूवल के बेसिस पे, अथॉरिटी के बेसिस पे बेसिकली, ठीक है। तो पैसे की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली, अगर मैं वैल्यू के बेसिस पे क्लासिफाई करूँ, तो एक होता है क्रेडिट मनी और एक होता है फुल बॉडीड मनी। और अगर अप्रूवल के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो होता है फिएट मनी और एंड फिड्यूशरी मनी। मैं इसको एक दफ़ा कॉपी पे समझा देता हूँ, उसके बाद रीड कर लेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही है, लास्ट टॉपिक है इसका। देखिए जी, हम बेसिकली बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मनी की। पैसे को कैटेगराइज करा गया है दो हिस्सों में, वैल्यू के बेसिस पे और अप्रूवल के बेसिस पे।
वैल्यू के बेसिस पे क्या बताया? दो बताए सर, एक बताया आपने क्रेडिट मनी और एक बताया फुल बॉडीड मनी। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और अप्रूवल के बेसिस पे आपने बताया एक फिएट मनी और एक बताया है फिड्यूशरी मनी। ठीक है जी, देखिए जी, क्रेडिट मनी क्या होता है? अगर मैं वैल्यू के बेसिस पे बात करूं, देखो जो करेंसी होती है ना, करेंसी की जो वैल्यू है उसको हम दूसरे में कैटेगराइज कर सकते हैं। करेंसी की एक होती है जी फेस वैल्यू, ध्यान से सुनना, और एक होती है जी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी। फेस वैल्यू का क्या मतलब है? कोई भी करेंसी जो जो अमाउंट उस पर लिखा है, करेंसी के ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड है या इंस्क्राइब्ड है, उससे हम उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 5 के सिक्के पे 5 रुपया लिखा है तो 5 का हो गया, 10 के सिक्के पे 10 लिखा है तो जो लिखा है वो कहलाता है फेस वैल्यू। 50 के नोट पे 50 लिखा होता है, दैट इज फेस वैल्यू। 2000 के नोट पे 2000 लिखा है, दैट इज फेस वैल्यू। लेकिन जिस चीज से, जिस भी आर्टिकल से वो बनाया गया है, चाहे कॉइन हो या जो पेपर नोट है, वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे 10 का जो सिक्का है, अब वो उस पर 10 रुपये लिखा है इसलिए उसकी वैल्यू 10 रुपये की है, ठीक है। अब अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएं सपोज, और एज अ कॉइन, एज एज अ मेटल आप बेचें सिर्फ उसको, 10 रुपया जो है वो सपोज है नहीं, उस पर लिखा हुआ नहीं है, एज अ मेटल जब आप उसको बेचेंगे तो क्या आपको 10 रुपये मिलेंगे उसके? नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला कहेगा भाई ये 10 रुपये की चीज़ नहीं है, शायद उसका आपको वो अगर खरीदने पे आया तो शायद आपको 1 रुपया या 2 रुपये दे दे सपोज। तो अल्टीमेटली जो जिस मेटल का बना है कोई भी करेंसी, या जिस भी चीज की कोई भी करेंसी बनी हुई है, वो उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। और जो उस पर प्रिंटेड है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जैसे 2000 का नोट बना है नोट से, एक पेपर से, और उस पर 2000 लिखा है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द 2000 नोट, ठीक है। लेकिन जिस पेपर से वो बना है ना, पेपर की वैल्यू सिर्फ है 50 पैसे, 50 पैसे। तो अल्टीमेटली पेपर की 50 पैसे की जो वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो उस पर लिखा है वो क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं इस पे। क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी होता है जी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन दी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। मतलब एज अ मेटल या एज अ पेपर अगर कोई चीज कम की है और उस पर ज्यादा लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट मनी है। जैसे 50 के नोट पे 50 लिखा है तो फेस वैल्यू है, लेकिन वो नोट जो है, वो जो पेपर है, वो 50 रुपये का नहीं है। अगर उसको आप बाजार में ऐसे ही बेचोगे तो 50 रुपये कभी नहीं मिलेंगे उसके, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं सब क्रेडिट मनी है, 500 का नोट, 2000 का नोट, कोई भी नोट, सब क्रेडिट मनी की कैटेगरी में आते हैं। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर कोई भी करेंसी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, प्रैक्टिकली बताऊं अब तो चलता ही नहीं, एक भी ऐसा कॉइन, एक भी ऐसा नोट या कॉइन नहीं है मार्केट में जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल हो। समझ आ रही बात? तो आज के डेट में फुल बॉडीड मनी होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं फुल बॉडीड मनी है क्या, तो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कोई भी मनी जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है, जो प्रिंटेड है वो उस जिस मेटल से वो बनाया गया है, जिस भी चीज से बनाया गया करेंसी को, उसकी वैल्यू के बराबर है अगर, तो वो कहलाएगा फुल बॉडीड मनी। सपोज कि 1 रुपये का जो सिक्का है उसके 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 साथ जो मेटल यूज होता है उसके लिए, वो भी 1 रुपये का ही है और उस पर लिखा भी 1 रुपये है, तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू बराबर है, फेस वैल्यू भी बराबर है, उसकी मेटलिक वैल्यू भी, मतलब फेस वैल्यू भी 1 है और मेटलिक वैल्यू भी 1 ही रुपया है, तो अल्टीमेटली फुल बॉडीड मनी कहलाएगा वो। समझ आ गई बात? बताएं कमेंट करके, कोई कोई डाउट है किसी को? आशार, निम्रा, अरसलान, अमान, बताओ फटाफट से। मारिया, टाइप्स ऑफ मनी में हम बात कर रहे थे वैल्यू के बेसिस पे मनी को कैटेगराइज करने की, तो दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं हम, क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी, क्रेडिट
जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है, और फुल बॉडीड मनी जिसकी फेस वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों इक्वल होती है। ठीक है, अप्रूवल के बेसिस पे बात कर लेते हैं। ओके, अमान और सलाम को डाउट नहीं है। अप्रूवल के बेसिस पे देखो, इकोनॉमी के अंदर हम मनी के तौर पे जिस भी चीज को इस्तेमाल करते हैं ना, उसको आप दोस्तों में कैटेगराइज कर सकते हो कि एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है आपकी, उसने इशू किया है। मतलब इफ अ करेंसी या इफ मनी, इफ एनीथिंग विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाई द गवर्निंग अथॉरिटी, एनीथिंग विच इज यूज एज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाई द गवर्निंग अथॉरिटी, देन इट इज कॉल्ड फिएट करेंसी या फिएट मनी। कोई भी करेंसी या कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी ने इशू किया है, तो उसे फिएट मनी कहा जाता है। जैसे जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स है, सब गवर्निंग अथॉरिटी ने इशू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया। तो इस जितने भी नोट और कॉइन है, सब फिएट मनी की कैटेगरी में आते हैं। एवरी करेंसी इज अ फिएट मनी, ठीक है, जो भी लीगल टेंडर है। लेकिन इसके अलावा ना, डे टू डे ट्रांजेक्शन में बहुत और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेक है या नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है या प्रॉमिस नोट है या कई दफ़ा टोकन है या एटीएम है या बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिसको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं कह सकता मैं, बेसिकली जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू नहीं किया। ठीक है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। प्रॉमिसरी नोट है, जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी गवर्निंग अथॉरिटी ने इशू नहीं किया है, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी मनी को हम फिडिशरी मनी कहते हैं। ठीक है जी, जो भी गवर्नमेंट ने इशू किया हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जिसकी कैटेगरी में सारे कॉइन्स नोट आते हैं, वो सब फिएट मनी है। इसके अलावा जो भी बचा जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन वो इशू नहीं किया गया गवर्नमेंट द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इशू नहीं किया, वो सब फिड्यूशरी मनी की कैटेगरी में आता है। समझ आ गई बात? तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है। मनी सप्लाई में मैंने आपको बताया, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम इकोनॉमी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर के पैसे को ही काउंट किया जाता है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर के पैसे को हम काउंट नहीं करते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी सप्लाई कैलकुलेट करता है, और कोई इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि इस डेट पे इस टाइम पे होगा। किसी भी डेट या किसी भी टाइम पे आरबीआई अपने हिसाब से मनी सप्लाई कैलकुलेट कर सकता है। और मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आरबीआई जनरली चार फॉर्मूला यूज़ करता है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 के अकॉर्डिंग अगर मनी सप्लाई कैलकुलेट करें तो M1 के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, दैट इज मनी हेल्ड विद द पब्लिक, पब्लिक्स मनी विद द कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, जो आरबीआई के पास पड़ा है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको बताया पैसा जो है उसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे, इशुएंस या अप्रूवल के बेसिस पे। अगर वैल्यू के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो क्रेडिट मनी फुल बॉडीड मनी है। क्रेडिट मनी का मतलब कोई भी करेंसी जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो, और फुल बॉडीड मनी मतलब जिसकी फेस वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों बराबर हो। अप्रूवल के बेसिस पे या इशुएंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो करेंसी को हम दूसरे में कैटेगराइज कर सकते हैं फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी। फिएट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने अगर इशू किया तो फिएट है, और अदरवाइज वो फिड्यूशरी मनी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।